अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं आज आया हुआ हूँ पाक टी हाउस में। पाक टी हाउस जो था वो इल्मो दानिशवरों का कभी गहवारा हुआ करता था। प्री पार्टीशन 1939 के अंदर बनने वाली ये बिल्डिंग जो है, इस तरफ जो था वो इंडिया टी हाउस था उस वक्त, और ये साथ जो बिल्डिंग थी ये थी इंडिया कॉफ़ी हाउस थी। लाइका बाकी तमाम दुनिया की तरह, जिस तरह के पूरी दुनिया के अंदर जो है कावा खाने या टी हाउस या कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, इस तरह ये जो बिल्डिंग थी ये बनाई गई। और फिर ये यहाँ पर मतलब कि इल्मो दानिश के तमाम लोग, तमाम फ़िक्राए उलम जो थे वो यहाँ पर बैठते थे। उसमें कोई कैद नहीं थी कि ये जैसे अभी पाक टी हाउस लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है पाक टी हाउस सिंस 1948। यहाँ पर पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के नामवर राइटर, शायर, अदीब तमाम लोग यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर आके बैठ के अपने मसले जो हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे, और अगर वो शायर थे तो अपनी शायरी का जिक्र करते थे। साथ साथ लाहौर की, ये मेरे पीछे जो है वो माल रोड है, ये माल रोड चल रहा है, पीछे मेरे नीला गुंबद है, और ये इस तरफ आपको जो है वो न्यू अनारकली है, और ये जो जगह है इस तरफ को जाते हुए आपको वेस्ट की तरफ जाते हुए पुरानी अनारकली आती है। तो बात आ जाती तरीके पन्नों को, जो बंदा खोलने के लिए निकलता है, तो आज भी जो है वो पाक टी हाउस जो है वो इल्मो दानिशवरों का गहवारा बना हुआ है। लाहौर की जितनी क्रीम है, जो राइटर्स हैं, अदीब हैं, शायर हैं, वो आज भी जो हैं वो देखें, ये यंग जनरेशन्स के अंदर भी और वो सारे जी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो आज भी जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं यूनिवर्सिटी के, और जो हैं जो राइटर्स भी हैं, और इसमें जो है न्यूज़पेपर्स के जो सहाफ़ी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर वो अभी भी वो आते हैं, और पाक टी हाउस को 2013 में दोबारा रेनोवेट करके जो है वो उसको रियल शेप से भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनाया गया। क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और जो है वॉल सिटी अथॉरिटी को, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई ये दोबारा पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जो भी चीज़ें ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको रेनोवेट करके उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया जाए। जैसे लाहौर की बाकी चीज़ों को फुली रिस्टोर किया जा रहा है, इसी तरह जो है वो पाक टी हाउस को 2013 के अंदर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो दोबारा से रेनोवेट किया है, करवाया है। ये देखें पाक टी हाउस, यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो 1948 से लिखी हुई है, और मार्च 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऑर्डर पे इसको दोबारा जो है वो एक्टिव किया गया। लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो तकरीबन 10 ईयर्स एगो से शुरू होती है प्री पार्टीशन की, और यहाँ पे जितने भी वो दानिश्वर या राइटर या शायर थे, इल्मो अदब का गहवारा थे लाहौर के, देखेंगे भी पीछे सादत हुसैन मिंटो साहब जो यहाँ पर बैठा करते थे, फिर उसके बाद जो है वो अहमद नदीम कासमी साहब हैं, मीरा जी, डॉक्टर वरीद कुरैशी साहब, शफकत तनवीर मिर्जा साहब है, पंजाब का एक बड़ा मशहूर नाम लाहौर का, जिनके मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मदा हूँ, उस्ताद दामन, पंजाबी राइटर, शायर, अदीब, सज्जाद, बाकी रिजवी। अच्छा, मैं ये सिर्फ आपको ये बताता चाहूँ कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान राइटर और अदीब ही बैठते थे, यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा सारे जो थे सिख हजरात, जैन, हिंदू, तमाम मुतबा फ़िक्र के लोग जो थे यहाँ पर बैठते थे। ये हैं खालिद अहमद साहब, 1943 से लेकर 2013 तक, और ये वही पाक टी हाउस है, आज वो उसी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, लेकिन इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन आ गई है। सूफी तबस्सुम साहब, ये है अहमद राही साहब,
बहुत बड़े नाम हैं, अहमद फराज साहब हैं, अहमद बशीर साहब हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अनीस नागी साहब हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम ए हमीद साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, मुन्नी नियाज़ी, ये हैं कतील शफाई साहब, और इन साहब का नाम सामने नज़र नहीं आ रहा है। शोहरत बुखारी, इजाज बटालवी सर, अख्तर हुसैन जाफरी, और मायनास इशफाक हुसैन सर, इशफाक अहमद साहब सॉरी। हाफिज जलंदरी, डॉक्टर वज़ीर आगा, और राजा फारूक अली खान। ये तमाम हस्तियां जो हैं वो ये रौनक बख्शती रही हैं पाक टी हाउस को। पाक टी हाउस आज जब दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेकर आया गया इसको, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं यहाँ पर लाहौर का खोजी फैज़ान भाई और शुएब रज़ा साहब, जिनकी बहुत ज़्यादा डिस्कवरी है हिस्ट्री के, हवाले से ये तमाम इल्म दानिश्वर जितने भी हैं, अहमद नदीम कासमी साहब हैं, और ये जो हैं वो अफसाने ड्रामे जो नदीम की नज़में हैं, अहमद नदीम कासमी, कुलियात मीरा जी, और बहुत ज़्यादा सारी बुक्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए। ये फैज़ अहमद फैज़ की कुछ यादें हैं। मिस कर रहा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है कि तमाम के तमाम जो राइटर्स हैं या शायर हैं या अदीब हैं, तमाम के तमाम सिर्फ वो मुस्लिम्स को शो किया गया, जबकि पाक टी हाउस जो था वो इंडिया टी हाउस था। तो उस वक्त तमाम मकतबाए फ़िक्र यहाँ पर बैठते थे, जिनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, और ये एक कंबाइंड पिक्चर है जो एक मीटिंग हो रही है अदब के हवाले से। नासिर कासमी सर, उसी टाइम मैंने कहा ये तो आपका ख्याल नहीं है, कहते नहीं नहीं हफीज ताहिर, इस तरह से सारे काम और हमारे अपने शुएब रज़ा साहब, लाहौर एक्सप्लोर, डीजी के एक्सप्लोर, झांग एक्सप्लोर और चिन्हट एक्सप्लोर के साथ ये पेजेस सारे के सारे जो है ये वह रन कर रहे हैं। और ये शख्सियत तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। देखें तो लाहौर का खोजी, लाहौर शनासी फाउंडेशन, वॉल सिटी अथॉरिटी, तमाम तमाम बेड़े जो हैं वो इनके ज़िम्मे हैं। और लाहौर की तारीख में जो इन्होंने काम किया है, शायद ही कोई इतनी कम सिनी में किसी ने इतना अच्छा काम किया हो। तो मैं आज इनके साथ जो वो आया हुआ हूँ यहाँ पर पाक टी हाउस में, पुराने इलम दानिश की दानिश्वरों की चलने वाले हैं या कोई फीमेल्स का चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई क्या क्या करना है वो साहब जी। वो जो है वो शुएब साहब और लाहौर का खोजी और मैं आपका अपना बाबा जी, सेम हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये है मेरा पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान और हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान के साथ। मैं तमाम पेजेस के साथ मैं आपका अपना बाबा जी। देखते रहिए, एक नई जगह के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से जी? ठीक है, आप आपको रोके दिखाऊं हंसते दिखाऊं? कोई भी बात आप कर सकते हैं, मैं दोनों काम करवा सकता हूं, दोनों को ला भी सकता हूं साथ से। अच्छा 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 अच्छा, सीरियस नहीं हो सकता हूं जैसे आप चाहें। आपका इस्म शरीफ?
मुझे मेरा नाम तो भाई गुलाम मुस्तफा है जी जी वैसे मेरा निक नेम है उसको छोड़िए जी अब हम पूछेंगे आप क्या करते हैं नहीं वो बस ऐसे मैं बस वो कर रहा हूँ इसी भी डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ तो उसके शो बिजनेस के लोग तो है नहीं अच्छा 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 कुछ पीछना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें देखना क्या है हमारी जी मतलब कि ये बुजुर्ग भी जो है वो पाक टी हाउस का एक हिस्सा है इल्म व दानिश्वर जो है हमारे उनके जो है हसीन यादें हैं यहाँ पर और तो देखते रहिएगा मैं आपका अपना मोस्ट महाराज सेम हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ सेम गुरुद्वारा जंटल ऑफ पाकिस्तान हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान पंजाब देश के साथ जो है आपका अपना मोस्ट महाराज मैं आज आपको दिखा रहा हूँ पाक टी हाउस जिसकी हिस्ट्री 1939 से शुरू होती है लेकिन 1948 के बाद 1939 में इसका नाम होता है इंडिया टी हाउस यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के महान भारत के अखंड भारत के तमाम दानिश्वर तमाम राइटर तमाम शायर अदीब जो थे वो इकट्ठे होते थे 47 में जब पार्टीशन होगी तो पार्टीशन के बाद जो है उसका नाम पाक टी हाउस कर दिया गया 1948 से लेकिन इसकी हालत बहुत खस्ता थी फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको जो है दोबारा रेनोवेट किया 2013 में जो है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हमारे 2013 में नवाज शरीफ साहब ने इनको दोबारा जो है उनको रेनोवेट करवा दिया और इस जगह को जो है दोबारा शेफ सोचा कि लाहौर अब दोबारा से वही लाहौर के दानिश्वर राइटर अदीब हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे और आप देखें कि इसकी रौनकें दोबारा जो बहाल हो गई हैं जैसे कभी पाक टी हाउस हुआ करता था आज पाक टी हाउस दोबारा भी उसी हालत में आ गया है कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं जगह वैसी ही रहती हैं तो आज देखें आप इतनी हसीन यादें ये सारी इन दीवारों के ऊपर ये नाम ये हस्तियाँ यहाँ से चली गई लेकिन आज मैं आपका जी मेरे साथ हैं शहीद रजा साहब और लाहौर का जी मिलेंगे दोबारा किसी और